दोस्तों नमस्कार। आयकर यानी इनकम टैक्स अपने आप में जटिल परंतु प्रिवेलिंग सब्जेक्ट है। आप कहेंगे अनुप जी जटिल क्यों बोला आपने इसको, तो मुझे लगता है कि इससे तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गणित समझना या इनकम टैक्स की गणित को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। परंतु प्रिवेलिंग या सर्वव्यापक क्यों है यह सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं आय कमाने के प्रयास करते हैं और इसलिए इनकम टैक्स के रडार पर भी आ जाते हैं। तो दोस्तों पिछले कुछ समय में लगातार आपके जैसे दर्शकों से मुझे ये फीडबैक भी मिला कि अनुप जी जरा कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज भी डिस्कस करिए, जिससे हमारे को थोड़ा और ज्ञानवर्धन हो कि किस प्रकार आयकर की कार्यप्रणाली रहती है और अगर हमारा भी कोई केस किसी प्रिवेलिंग केस जैसा फंस जाए तो हम क्या आगे कदम उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से दोस्तों आज एक पहली केस स्टडी आपके समक्ष लेकर के आया हूं, टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस के एक इंटरेस्टिंग केस रिसेंट पास्ट में मुझे देखने को मिला, तो मुझे लगा कि ये केस बहुत सारे लोगों से जुड़ा हो सकता है, तो क्यों ना इस केस के थ्रू हम सब लोग अपना ज्ञानवर्धन करें और क्या सही तरीका होना चाहिए इस तरीके के केस को डील करने का, वो बात यहां पर आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस शीर्षक के तहत टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस अ केस स्टडी, आगे एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करने का कोशिश करता हूं। दोस्तों कोई भी केस अगर होगा तो उसके कुछ फैक्ट्स यानी उसके कुछ तथ्य होने चाहिए जो हमें मालूम हो, और उन तथ्यों के मद्देनजर हम लॉ को रख करके ये समझेंगे, क्योंकि इस तथ्य के अनुरूप आयकर लॉ के अंतर्गत क्या परिणाम आने चाहिए और क्या आए थे और क्या आने चाहिए, उन दोनों की तुलना मैं यहां आपके साथ लेकर के चलूंगा। तो मैं एग्जांपल बताता हूं, ये केस के कुछ घटनाएं मतलब घटना वास्तविक है लेकिन पात्रों के नाम बदल लिए गए, ऐसा आप समझ लो। मिस्टर एक्स डेल्ट विथ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस एट कॉइनसेट प्लेटफॉर्म। मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म चलते हैं दोस्तों क्रिप्टो से रिलेटेड, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म का एक फिक्टिशियस नाम रख लिया कॉइनसेट प्लेटफॉर्म। तो एक कॉइनसेट प्लेटफॉर्म पर मिस्टर एक्स जो कि एक निवेशक हैं वो गए, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट के साथ में उस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म को जोड़ा और धीरे धीरे वो वहां पर अपने लाख 50,000 20,000 ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहे और धीरे धीरे उनके पास क्रिप्टो करेंसी आती रही। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमने से 50,000 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उससे ट्रेडिंग करना शुरू करी। अब ट्रेडिंंग क्या होती है दोस्तों, जहां पर हम डेली कुछ क्रिप्टो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, या डेली नहीं करके आज खरीदी दो दिन बाद बेची, दो दिन बाद फिर खरीदी फिर 5 दिन बाद बेची, इस तरीके के ट्रांजेक्शन वो व्यक्ति करने लगा, ऐसा आप मान के चले। अब इन ट्रांजेक्शन को करने के लिए मिस्टर एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया था अलग अलग दिन पर रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में टोटल 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। मैं मान लेता हूं उन्होंने 5 डिफरेंट ट्रांचेस में 2-2 लाख रुपए लगाए थे, तो एक वित्त वर्ष में करदाता ने टोटल 10 लाख रुपए का निवेश किया क्रिप्टो करेंसीज में डील करने के लिए एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर, जिसके लिए उनके खाते से ही पैसा गया था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा जो गया था वो मिस्टर एक्स के बैंक खाते से गया था। अनफॉर्चुनेटली द प्लेटफॉर्म गॉट सम साइबर अटैक, hence it lost substantial cryptos as well as records of transaction undertaken by it, and finally it settled for an amount of rupees 4 lakh with the assessee. ab hua kya ye, kyunki platform bhi assessee ko bolte hain, terms and condition batate hain, bhi kehte hain ki sahab hamare par bhi cyber attack ho sakta hai aur aapke crypto ke investment gayab ho sakte hain. to aisa hi unfortunate case hua mr x ke sath mein कि उनके जो क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस उन्होंने किए थे और जो भी उनका बैलेंस पड़ा था, जैसा आपने देखा 10 लाख उन्होंने लगाए, तो क्योंकि साइबर अटैक हो गया तो कुछ क्रिप्टोस का नुकसान हुआ, ऐसा मान लेते हैं रिलेवेंट प्लेटफॉर्म को, प्रेजेंट केस में कॉइनसेक को। कॉइनसेक को जब नुकसान हुआ तो उन्होंने इस करदाता एक्स के साथ में एक MOU किया कि साहब देखिए हमारे को नुकसान हो गया साइबर अटैक से, ये पब्लिकली नोन बात है, फिर भी हम आपको कंपनसेशन के रूप में 4 लाख रुपए देने को तैयार। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो पैसा मिला भागते भूत की लंगोटी से। अपार्ट फ्रॉम इट द असेसी विड्रॉ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3.5 लाख फ्रॉम काइन सिक्योर प्लेटफॉर्म और दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो असेसी ने भी कॉइनसेक प्लेटफॉर्म से रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में से 3.5 लाख रुपए निकाल। तो अब क्वेश्चन क्या आया कि टोटल इन्वेस्टमेंट गया 10 लाख, 3.5 लाख उन्होंने निकाल लिए और 4 लाख उनको फाइनल सेटलमेंट में मिल गए, यानी
10 लाख 7.5 वापस आ गए तो करदाता को नेट नेट में 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये एक फैक्ट से यहां पर बात होती दिख रही है, पर अभी कुछ फैक्ट्स बाकी हैं कि अभी केस उलझा कैसे, ये तो समझना बहुत जरूरी है जिसके लिए क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में है। हुआ क्या दोस्तों, बिफोर सच साइबर अटैक द क्रिप्टो प्लेटफॉर्म रिपोर्टेड सम ट्रांजेक्शंस वर्थ ₹1.4 करोड़ ऑन द पैन ऑफ मिस्टर एक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो वो सूचनाएं देने के लिए लाइबल होते हैं, ये बताया था कि मिस्टर एक्स, जिनका पैन नंबर सो एंड सो है, इन्होंने इस वित्त वर्ष में हमारे थ्रू 1 करोड़ 40 लाख के ट्रांजेक्शन कर लिए। अब इन्वेस्ट कितने किए थे दोस्तों, 10 लाख, लिए कितने वापस 7.5 लाख, पर ट्रांजेक्शन वैल्यू तो डेली खरीद बेच उससे बनती जाती है, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन हुए। अब इनकम टैक्स असेसमेंट इस करदाता के विरुद्ध, मिस्टर एक्स के विरुद्ध खोला गया और असेसी को बोला कि साहब आपने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन किए, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने हमारे को ऐसा बताया, बट क्योंकि रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पर साइबर अटैक हो चुका था तो असेसी से जब पूछा कि साहब ये 1 करोड़ 40 लाख के ट्रांजेक्शन में आपने प्रॉफिट कितना कमाया, तो असेसी रिलेवेंट प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा जो आज की डेट में लगभग खत्म हो चुका, और उनका भी ऑफिस बहुत हद तक ट्रेसेबल नहीं था, समहाउ कोई एक मेल आईडी के थ्रू असेसी का संपर्क हुआ और असेसी ने जब ट्रांजेक्शन वैल्यू मांगी तो वही 1 करोड़ 40 लाख आई। असेसी ने बोला साहब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दीजिए, तो रिलेवेंट प्लेटफॉर्म बोला साहब हमारे तो सारे रिकॉर्ड ही उड़ गए, हम आपको पीएनएल नहीं दे सकते। अब आप समझिए असेसी के साथ खतरा क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान रहा है उनके पास 1 करोड़ 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उन्होंने बाइंग वैल्यू 1 करोड़ 40 लाख की दिखा दी, से सेलिंग वैल्यू भी दिखा दी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कह रहा है भाई मिस्टर एक्स आपने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की बाइंग करी क्रिप्टो की, तो इसका मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपए का आपका अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट है, जरा हमें बताइए क्यों ना हम आपका इतने पर असेसमेंट कर दें। शशि बेचारा निश्चित रूप से घबराएगा, साहब मैंने तो 10 लाख लगाए थे, आए मेरे पास में 7.5 लाख लौट के, आप 1 करोड़ 40 लाख रुपए की मेरी इनकम कैसे मान रहे। अब हुआ क्या, क्योंकि जब कोई असेसमेंट खुलता है तो करदाता को रिटर्न भरने के लिए भी कहा जाता है, तो असेसी ने अपनी रिटर्न भरी, इस केस में उनके पास में कुछ बहुत ज्यादा इनकम थी भी नहीं, उन्होंने क्रिप्टो का लॉस तो दिखाया नहीं, कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम वगैरह अपनी रिटर्न में रिपोर्ट कर दी। अब केस उलझ गया है, किस तरह से उलझ गया है, असेसी कह रहा है साहब मेरे पास में फायदा नहीं है नुकसान है, डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं साहब 1 करोड़ 40 लाख इन्वेस्टमेंट किया, या तो पीएनएल ला दो, पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ला दो, वो हम ला करके देने में सक्षम नहीं है क्योंकि रिलेवेंट प्लेटफॉर्म एक तरीके से बैंकक्रप्ट हो गया, वो मार्केट से गायब हो गया। अब आप समझिए असेसी कितनी बुरी स्थिति में दोस्तों फंस चुका है, और 40 लाख इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसी पे जोड़ दिए असेसमेंट में, तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगभग की ही डिमांड बनने वाली है। तो दोस्तों मेरा पहला ही केस स्टडी जो मैं आपके समक्ष, वो अपने आप में एक बहुत आई कैन से भीषण केस है, और भीषण इसलिए क्योंकि इसका जो करदाता पर प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं कि करदाता जिसकी मान लीजिए इनकम साल की 10-15 लाख 20 लाख हो, उसने हिम्मत करके क्रिप्टो में भी काम करना शुरू किया, चाहे भारत सरकार नहीं चाहती, पर वो एक बड़े ब्लंडर में फंस गया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है मेरे पिटारे में आपसे डिस्कस करने के लिए। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो मेरे इस फैक्ट्स के डिस्कशन से उभर करके आते हैं, जिनका उत्तर खोजने की अब हमें कोशिश करनी है, या मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू आप तक उत्तर भी पहुंचा पाऊं। वेदर द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ ₹1.4 करोड़ कैन बी एडेड इन द हैंड्स ऑफ असेसी मिस्टर एक्स, क्या 1 करोड़ 40 लाख रुपए की खरीद जो रिलेवेंट पोर्टल ने असेसी को भी बता दी, डिपार्टमेंट को तो पहले ही शिकायत कर दी, शिकायत मतलब एआईआर के थ्रू बता देते हैं साहब, असेसी तो बेचारा 12 के भाव गया, आप समझ गए। अब क्या ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए डिपार्टमेंट ऐड कर सकता है क्या, आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं अनूप जी ऐसे कैसे, ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, पर कुछ लोग कहेंगे साहब क्या करें जब डिपार्टमेंट के पास में है नहीं कोई इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस असेसी दे नहीं रहा, तो 1 करोड़ 40 लाख ही ऐड होना चाहिए साहब, दूसरे का केस होता है तो बोलना बहुत आसान होता है, ऐसा भी मैं मानता हूं। इफ नॉट हाउ टू डिटरमाइन इनकम ऑफ द असेसी, ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे पास में इस केस में आया था कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर हम असेसी की वास्तविक इनकम उन ट्रांजेक्शन से कैसे बताएं। तो अब समझिए सर ऑर्ग्यू होना शुरू होता है ये केस, चाहे असेसिंग ऑफिसर के पास चाहे अपीलेट अथॉरिटी के पास, तो हमने वहां जाकर के ये बात रखने की कोशिश करेंगे साहब एक बार बताइए कोई भी प्लेटफॉर्म पर जब मैं काम करता हूं तो वो मेरे बैंक खाते से ही होता है,
बोले हाँ साहब इतना तो हम मानते हैं। जब मेरे बैंक खाते से उतार, मैं आपको मेरा बैंक खाता दिखा रहा हूं और इस बैंक खाते से मैंने 10 लाख रुपए रिलेवेंट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर दिए से कॉइन सेक में प्रेजेंट फेस में, और मैंने उनसे 4 लाख सेटलमेंट में लिए, 3.5 लाख अलग अलग डेट पे मैंने निकाले, टोटल तो साहब 3.5 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख 50 हजार निकाले, मैं तो 2.5 लाख का लॉस खा के बैठा हूं। हाँ 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो वैल्यू हो रही है वो हो सकती है, क्योंकि मैं तो एक लिमिट जब देता था, मैं जब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता था वो मेरे को साहब 20 लाख की लिमिट देते थे ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो मैं क्रिप्टो खरीदता बेचता रहता था। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि चाहे रिलेवेंट प्लेटफॉर्म मेरे को ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट नहीं दे रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दे रहा, पर अल्टीमेटली मानेंगे तो वही ना साहब कि जितना मेरे खाते में पैसा मैंने दिया और जितना निकाला वही मेरा प्रॉफिट लॉस है। हो सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी उस असेसी की बात को मान ले। सो एक अगला क्वेश्चन आएगा, वेदर असेसी में भी असेस्ड एट लॉस इवन। मेरा मानना है सर लॉस पर असेसमेंट अगर पुराना केस खुलता है तो हो सकता है डिपार्टमेंट उसके लॉस को अगर जेन्युइननेस मानता है तो मान भी ले, परंतु ऐसे लॉस का असेसी को कोई फायदा नहीं होना प्राइमा फेसा इन टर्म्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड एक्सेट्रा। हाँ सेम ईयर की दूसरी इनकम से सेट ऑफ होने जैसी बात हो सकती थी, पर ये यहां क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मेन ये है कि मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी असेसिंग ऑफिसर तो अभी अड़ा हुआ है, वो कह रहा है नहीं नहीं भैया आप ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट नहीं दे रहे, मैं तो आपके 1 करोड़ 40 लाख रुपए जोड़ दूंगा। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को फेवर नहीं करता है तो रेमेडी क्या है, ये लाखपते की बात है। देखिए दोस्तों अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी को फेवर नहीं देता और एओ असेसमेंट में 1 करोड़ 40 लाख ऐड कर देता है, असेसी के पास कोई नहीं है, उसको अपील में जाना है बिफोर सीआईटी अपील। यदि सीआईटी अपील भी उसको फेवर नहीं देगा तो असेसी को जाना है आईटीएटी, ऑनरेबल इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल की बेंच, असेसी के करके मुझे लगता है प्रेजेंट केस में उसको रिलीफ देगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप ये समझें कि कोई केस जब इस तरह से उलझता है तो एक कॉमन सेंस अप्रोच होती है, और उस कॉमन सेंस अप्रोच को असेसिंग ऑफिसर को समझना चाहिए, नहीं तो अपीलेट अथॉरिटी उस बात को समझेगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। पर किसी व्यक्ति के साथ में यदि इस प्रकार के ब्लंडर होते हैं तो उससे उन्हें यह भी शिक्षा मिलती है, और बहुत सारे लोग भारतवर्ष में आज की डेट में भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, और क्रिप्टो के जो भी प्लेटफॉर्म है सब साइबर अटैक पर किसी भी समय पर आ सकते हैं। तो मेरा यह कहना है आप अपने पीएनएल स्टेटमेंट साथ के साथ निकालते रहिए, बाद में जाकर के मांगेंगे, हो सकता है कभी वो ना भी दे पाए, ठीक है। और कम से कम किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले समझिए कि वो क्या आपको पीएनएल देता है, प्रॉफिट एंड लॉस देता है, ताकि कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो वैल्यू रिपोर्ट कर दे ट्रांजेक्शन कैरिड आउट की, और पीएनएल तो वो बताते नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस वो बताते नहीं है, तो असेसी तो मारा जाएगा साहब। इस तरीके के नुकसान ना हो इसके लिए करदाता को क्या सचेत रहना है वो भी मैंने यहां डिस्कस किया, और प्रेजेंट केस में यदि एसएससी के साथ में 1 करोड़ 40 लाख की भी एडिशन हुए हैं तो भी एसएससी को घबराना नहीं है, उन्हें अपीलेट फोरम में जाकर के रिलीफ क्लेम करना है। एंड आई होप जो भी जज या जो भी अपीलेट अथॉरिटी एक कॉमन सेंस अप्रोच रखेगी वो इस केस को फेवरेबल जरूर देगी, यानी फेवरेबल जजमेंट जरूर देगी। ये एक अप्रोच इस केस में मैं जो समझ पाया सीख पाया आपके समक्ष रखा। तो दोस्तों अंत में उम्मीद करता हूं कि ये केस स्टडी आपको निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक लगी होगी, और इस केस स्टडी के थ्रू जो मैंने मैसेज दिया है वो आपने कैप्चर किया होगा, और जैसे कहते हैं ना सर सावधान रहिए सतर्क रहिए, मैं भी यही कहूंगा कि जब भी इनकम संबंधी ट्रांजेक्शन करें इन्वेस्टमेंट संबंधी ट्रांजेक्शन करें सावधान रहिए सतर्क रहिए कि आपके स्टेटमेंट आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली आपके पास में मेंटेन्ड हो, ताकि कभी इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे पूछे तो आप उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। सो आई होप आप इसी प्रकार से और अपनी इंफॉर्मेशन के बेस को मेरी इन तरीके की वीडियो से और बढ़ाते रहेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।